नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल है फार्मन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर की प्रॉब्लम के बारे में। जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है और उनको क्या औषधियाँ तैयार करनी है और वो अपनी शुगर की प्रॉब्लम की घर में औषधि तैयार कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। आपने यदि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने जो नुस्खा है वो तैयार करना है और घर में अपनाना है। ये जो नुस्खा है बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। ये जिस किसी ने अपनाया उसकी शुगर 100% क्योर हुई, मतलब बैलेंस नहीं हुई, क्योर हो चुकी है प्रॉब्लम, मतलब हमेशा के लिए उसकी जो शुगर की प्रॉब्लम है परमानेंटली नॉर्मल रहती है। और आपको जो नुस्खा अपनाना पड़ेगा, हो सकता है आपको साल भर खाना पड़े, 2 साल खाना पड़े, 3 साल खाना पड़े, लेकिन ये नुस्खा आपके लिए वरदान है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और यदि आपने है फार्मन वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो जो भी हम लोग डालें और आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं कि यदि शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको परहेज क्या क्या रखने हैं। सबसे पहले आपको जैसे तलियां चीजें अवॉइड करनी है, परहेज रखना है उनका, जैसे पकौड़े हो गए, बर्गर हो गया, टिक्की हो गई, समोसा हो गया और कुछ तलियां चीजें और भी जो भी है वो आपने बंद कर देनी है। जैसे मीठा, चीनी से बने हुए जो भी पदार्थ हैं वो आपने बंद कर देने हैं। और मीठे में आप खा सकते हो, सेब ले सकते हो, मतलब यदि आपका मन कर रहा है मीठा खाने को तो आप सेब ले सकते हो, सेब खा सकते हो, और फ्रूट कोई भी खा सकते हो अनार को छोड़कर, और अनार नहीं खाना है। और इसके साथ साथ आपने एक नुस्खा तैयार करना है घर में और आपकी जो शुगर की प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। एक बार अजमा कर देखिएगा जरूर, आपकी शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। चलिए मैं बताने जा रहा हूं आपको औषधियां जो है वो क्या क्या चाहिए, क्या क्या औषधियां आपने इस में लेनी है दवा तैयार करने के लिए। सबसे पहले आपने लेने हैं सुच्चे मोती। सुच्चे मोती चाहिए आपको 4 ग्राम, तबासीर ठुकरा चाहिए आपको 70 ग्राम, और मोटी इलायची के दाने चाहिए आपको 40 ग्राम, और काउजमान का खमीरा जो है वो चाहिए आपको 200 ग्राम, और सुच्चे मोतियों का खमीरा चाहिए आपको 200 ग्राम, और चांदी के वर्क बड़े वाले लेने हैं, असली देख के लेने हैं, और 60 पीस चाहिए। सोने के वर्क चाहिए 60 पीस, और एक चाहिए आपको बेद मुश्क, वो चाहिए आपको 200 ग्राम। तो चलिए, ये सब चीजें आपने इकट्ठा कर लेनी है पंसारी की दुकान से। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जो नुस्खा है आपने तैयार कैसे करना है। मैंने ना ये नुस्खा लिख कर रखा हुआ है ताकि मेरे को बताने लगे भी कुछ गलती वगैरह ना लग जाए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको नुस्खे को बनाना क्या नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक खरन में सुच्चे मोती डाल लेने हैं, और जो बेद मुश्क आपने लिया उस बेद मुश्क को खरल के बीच डाल डाल कर उसको पीसना है आपने, और उसके बाद एक चीनी का बर्तन ले लीजिएगा, या मतलब कली किया हुआ बर्तन आप ले सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, तवा से ठुकरा और इलायचियां के दाने ब्रेक पाउडर बनाकर कप्पड़ छान करके रख लेने हैं, और साथ में काउजमान के खमीरे को चांदी के वर्क जो है वो भी डाल देने हैं, काउजमान का खमीरा बीच में डाल देना है, और खर्न की मोती जो है आपने मोती लिए सुच्चे मोती उनको भी आपने खर्न करना है। खरल करने के बाद जो आपके पास मुश्क का अर्क है
वो उसके बीच डालते जाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको हिला हिला कर एक जान कर लेना है। एक जान करने के बाद जब आप जैसे सुचे मोती को खरल करोगे, तो आपने क्या करना है, उसके बीज बेद मुशिक जो है धीरे धीरे डालते जाना है, सूखता जाए, और बनाकर चीनी के बर्तन में इसको रखना है जैसा विश्वादी को। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है, और देखिएगा जो आपकी शुगर की प्रॉब्लम है 100% क्योर हो जाएगी। ये जो नुस्खा है जहां से मैंने लिया, वहां पर जो भी वैद्य ने जो उसको अपनाया अजमाया, उन्होंने लिखा कि मैंने ये नुस्खा 100 मरीजों पर अजमा चुका हूं, फिर मैंने इस नुस्खे को प्रिंट किया। और जब उन्होंने ये नुस्खा लिखा, तब उन्होंने 100 मरीज पर अपनाया था, और उससे उस समय से लेकर और आज तक आप सोच सकते हो कि कितने लोगों पर ये नुस्खा आजमाया गया होगा। और चलिए दोस्तों, आप भी आजमाएं एक बार, और मेरे को कमेंट करके बताने जरूर कि यदि ये वीडियो वाला नुस्खा आपने अपनाया आजमाया तो आपकी शुगर क्योर हुई जा नहीं हुई। जब आप कमेंट करोगे ना, तो ये नुस्खा मैं और किसी को भी सलाह देने के। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नमस्कार।